तो हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे वो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर है ही, साथ ही साथ काफ़ी सारे मार्वल फैंस भी इसे पसंद करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ द डीमन मेफिस्टो के बारे में। तो उस कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे राज, बहुत सारे सीक्रेट्स है जो कि आप लोगों को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ टिल दी एंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेफिस्टो इस कैरेक्टर का डेब्यू हुआ था इन द सिल्वर सर्फर इश्यू 3, जो रिलीज हुआ था दिसंबर 1968 में, और इस कैरेक्टर के क्रिएटर है स्टैनली सर एंड जॉन विशेमा सर। तो एकदम पहले जब अर्थ में कुछ नहीं था तब वहाँ पे रूल करता था द एल्डर गॉड्स। तो एल्डर गॉड्स कुछ ऐसे कॉस्मिक एंटिटीज या फिर कुछ ऐसे कॉस्मिक बींग्स है जो कि सेलेस्टियल से भी पहले अर्थ पे आए थे और वहाँ पे रूल करते थे, पर अल्टीमेटली एल्डर गॉड्स को अर्थ से भगा दिया एक मॉन्स्टर ने जिसका नाम था एटम। तो एटम ने उन लोगों को वहाँ से भगा दिया, पर उन लोगों का जो मिस्टिकल या फिर जो मिस्टीरियस पावर्स या फिर जो एनर्जीज थे वो वहीं पे रह गए। तो उन्हीं सारे मिस्टिकल पावर्स की वजह से वहाँ पे ओरिजिन हुआ कुछ हेल लॉर्ड्स का, और उन्हीं में से सबसे पहला था मेफिस्टो। तो हेल लॉर्ड्स क्या है? हेल लॉर्ड्स बेसिकली वो रूलर्स है जो हर एक हेल टाइप के रियलम को रूल करता था। मतलब जो भी रियलम हेल टाइप का था उनका जो रूलर था उन सभी को हेल लॉर्ड्स कहते थे, और उन्हीं सब में से सबसे फर्स्ट हेल लॉर्ड था मेफिस्टो। तो मेफिस्टो उन सारी हेल लॉर्ड्स में से सबसे पावरफुल और सबसे फर्स्ट हेल लॉर्ड था। तो मेफिस्टो एक मैसिव डीमन था, एक इविल लॉर्ड था जिसे हर किसी के सोल्स को चुराने में मज़ा आता था, और उन सोल्स के साथ वो टॉर्चर करता था, उन सोल्स को मारता था और अपनी आर्मी के साथ दूसरी दुनिया में कब्जा करता था। तो मेफिस्टो को उन लोगों का सोल्स चुराने में सबसे अच्छा लगता था जो लोग बहुत ही पावरफुल है या फिर जिन लोगों का कैरेक्टर या फिर बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। पर इस कैरेक्टर का यानी मेफिस्टो का एक और भी ओरिजिन है ऐसा माना जाता है, और वो है कि एक्चुअली सेलेस्टियस का बनाया हुआ पहला जो डेवियंट है वो है मेफिस्टो, और मेफिस्टो पहले से ही कोई डीमन नहीं था। तो इन दोनों में से कौन सा ओरिजिन एकदम परफेक्ट है मुझे तो ठीक से पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे चल के मेफिस्टो का मुलाकात होता है द मैड टाइटन थैनोस के साथ। तो और वो थैनोस को सर्व करने लगता है एज अ सर्वेंट, पर मेफिस्टो का इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था थैनोस अपने आप में सारी इन्फिनिटी जेम्स को कलेक्ट करे और बाद में वो थैनोस को हरा के वो सारी इन्फिनिटी जेम्स को अपने कब्जे में कर ले। पर थैनोस को ये बात पता चल गया, और उसे साथ ही साथ ये भी पता चला कि मेफिस्टो को पाला था एक ओमनीपोटेंट बींग ने जो कि अपने टाइम में पूरे यूनिवर्स में अकेला था, और इसी वजह से उसने मेफिस्टो के साथ साथ और काफ़ी सारे डिमन्स को क्रिएट किया था। पर उस ओमनीपोटेंट बींग को ये नहीं पता था कि ये डीमंस और मेफिस्टो उसके अगेंस्ट चला जाएगा, इसीलिए उसने इस मेफिस्टो और डीमंस को ख़त्म कर दिया। पर अल्टीमेटली कुछ ही टाइम बाद उस ओमनीपोटेंट बींग ने खुद ही एक कॉस्मिक सुसाइड कमिट कर लिया, जिसकी वजह से मेफिस्टो और साथ ही साथ सारे डीमंस फिर से ज़िंदा हो गए। मेफिस्टो का एनकाउंटर डॉक्टर डूम के साथ भी हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर डूम के मदर के मर जाने के बाद उसकी मदर का जो सोल है उसको मेफिस्टो ने कैप्चर कर लिया था, और डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलके अल्टीमेटली मेफिस्टो को हरा दिया था और अपनी मदर का यानी सिंथिया वॉन डूम उसकी मदर का जो नाम था उसके सोल को फ्री कर दिया था ताकि वो हेवन जा सके। ऐसे कुछ इनकाउंटर्स है हर एक कैरेक्टर के साथ मेफिस्टो का। तो मेफिस्टो एक्चुअली जेलस था क्योंकि हर कोई द फायर डीमन ज़ेराथोस को वर्शिप करता था, और इसी वजह से मेफिस्टो ने ज़ेराथोस को जॉनी ब्लेस के साथ कंबाइन करके क्रिएट किया था दी घोस्ट राइडर। जी हाँ, घोस्ट राइडर का ओरिजिन यहीं से शुरू होता है। वो मैं कुछ नए वीडियो में जब ओरिजिन ऑफ घोस्ट राइडर आएगा तो वो मैं बताऊंगा, पर आप ये जान लीजिए कि ज़ेराथोस जो कि एक फायर डीमन है उसको जॉनी ब्लेस के साथ कंबाइन करके मेफिस्टो ने क्रिएट किया था घोस्ट राइडर कैरेक्टर को। तो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि हर एक हेल लॉर्ड का अपना अपना हेल रियलम होता है, वैसे ही मेफिस्टो का भी एक हेल रियलम था जिसे वो हेल बुलाता था, और उसी हेल में वो सारे सोल्स को टॉर्चर करता था, मारता था, अपने किंगडम अपने पूरे राज्य को एक्सपेंड करता था। हाँ, बेसिकली ये सभी करता था वो। तो ये था मेफिस्टो का ओरिजिन। तो चलिए अब बात करते हैं मेफिस्टो के पावर्स के बारे में।
तो एक्चुअली मेफिस्टो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और उसके सिर्फ एक या फिर दो पावर्स नहीं बल्कि 50 से भी ज़्यादा पावर्स है, तो वो सारे तो मैं बता नहीं सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक लिस्ट देता हूँ, ये वाला लिस्ट, हाँ ये वाला लिस्ट में जिन जिन मतलब जितने सारे पावर्स है वो सारे मेफिस्टो के पावर्स से, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि डिवाइन पावर, फ्लाइट, फायर प्रोजेक्शन, एनर्जी प्रोजेक्शन, इमोर्टलिटी, ये सब है। पर आप ये लिस्ट वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सारे पावर्स मेफिस्टो के हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मेफिस्टो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये था द ओरिजिन ऑफ मेफिस्टो। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हाँ योगेश, हाँ वो थैनोस का रियलिटी स्टोन मिल गया यार, चल चल चल। अरे वो अर्थ पे डॉक्टर स्ट्रेंज है ना वो, हाँ वही टाइम स्टोन वाला बंदा, हाँ उसके पास ही, उसने मुझे फ़ोन किया। चल ब्लेकर स्ट्रीट जाना पड़ेगा, चल 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 जल्दी।